बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आशिक मीर और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। जम्मू व कश्मीर में DDC इंतखाबात का अमल शुरू हो गया है। अगर हम रियासत जम्मू व कश्मीर की बात करें तो यहां पर तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त मैदान में कूद पड़ी है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन चारों जमातों ने, और कई सारी और भी जमातें हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और भी जमातें हैं जिन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स आगे किए हैं, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, इनका नाम है एडवोकेट राबिया और इनका ताल्लुक नारवा ब्लॉक से है। राबिया जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। आप पेशे से एक एडवोकेट रही है, काफ़ी टाइम से आप एडवोकेट के फ़राइज अंजाम दे रहे हैं, और क्या मजबूरी पड़ी आप इलेक्शंस में आपने हिस्सा लिया? अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहली बात तो ये बात सही है कि मैं एक एडवोकेट की हैसियत से पिछले 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और सो फार एज द इलेक्शंस आर कंसर्न्ड, इसमें सिर्फ मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि लोगों को इस बात का पता चले कि ये इलेक्शंस किस लिए हो रहे हैं, इन इंतखाबात का असल में जो मकसद है वो क्या है, ये इंतखाबात में अगर हम हिस्सा लेंगे तो ये हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, किस चीज़ की ओर ले जा रहे हैं। तो वो मेरा टोटल, मेरा मकसद, मेरा जो डिसीजन था ये इलेक्शन लड़ने का, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग तामीर और तरक्की को पीछे ना छोड़ दें, तामीर और तरक्की की तरफ चलें, और इस वजह से मैंने फैसला लिया कि उस वक्त कि मैं ये DDC इलेक्शन जो है कंटेस्ट करूँ। राबिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, ब्लॉक आपका नारवा है, यहाँ पर जो मौजूदा MLA रहे हैं, जो नुमाइंदे रहे, क्या उन्होंने आपके इलाके में तामीर और तरक्की नहीं की थी जिसकी वजह से आपको मजबूरन सियासत में आना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये पहले भी क्लियर करती आ रही हूँ कि मैं सियासत में नहीं उतरी हूँ, क्योंकि मैं इसको जो ये DDC के इंतखाबात है, मैं इनको सियासत का रंग नहीं देना चाहती, ना मैं चाहती हूँ कि इनको सियासत का रंग दिया जाए, सबसे। और उसके बाद जो दूसरी बात है, अगर हम इस वक्त हम जो बेसिक हमारा है डेवलपमेंट का सुने, तो देखिए मैं आपको छोटी से छोटी बात बताती हूँ। अभी पिछले कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पे पूरे नारवा को, मैक्सिमम नारवा को ब्लैक टॉपिंग की गई थी, रोड्स, अगर हम रोड्स की बात करें तो ब्लैक टॉपिंग करी गई थी। अगर आप एक चक्कर लगाएंगे जहनपुरा की तरफ जहाँ मैं कल गई थी, आप वहाँ देखे, कल थोड़ी सी बारिश हो गई, बर्फ़ पड़ी कल, अभी तो हमारा विंटर जो है वो स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। आप वहाँ देखें, वहाँ पे हालत इतनी ख़राब है, वहाँ ड्रेनेज का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हमारे जो नुमाइंदे थे आज तक, जो हमने चुने थे, वो खुद ब खुद चुन के नहीं आए थे, उनको भी हमने ही बनाया था। तो आज तक उन नुमाइंदों ने क्या किया है वहाँ पे, जबकि उस एरिया में ना तो ड्रेनेज का कोई हिसाब है, सड़कें इतनी खस्ता हालत, जबकि परसों ही ब्लैक टॉपिंग पूरे को हो गई थी, आधे को करी है ब्लैक टॉपिंग, आधे को नहीं करी। उसके बाद जब हमारा, अगर अपर बेल्ट जो हमारा नारवा का उस साइड है, उधर भी आप जाए, वहाँ भी देखें आप सड़कों की हालत क्या है। बाकी रही हमारी बिजली, आप देखिए, परसों एक जगह मैं गई थी, शमसवाड़ी नाम है उस जगह का, बर्फ़ पड़ रही थी, दिन के 4 बजे हमें वहाँ पर लालटेन जलाना पड़ा, उन्होंने अच्छे से वो लालटेन जलाया, उस लालटेन के सामने हमने उनसे बात करी है, वो है हमारी बिजली की हालत। तो इस वजह से मैं, मेरे हिसाब से जो भी हमारे नुमाइंदे आज तक आए हैं, मुझे नहीं लगता वो लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, आज ऐसा माहौल हो गया है कि लोग वहाँ से क्वेश्चंस करते हैं। मुझे पता नहीं कितने मजलिसों में, मुझे पता नहीं कितनी मीटिंग्स में लोगों ने वहाँ से पूछा, आप हमें बताइए आप क्या करेंगी, साथ में उनका ये भी सवाल था। आज तक हमारे पास जो भी लोग आए, वोट ले गए, लेकिन किया कुछ नहीं, हमारा ये मसला रह गया, हमारा वो मसला रह गया। इस वजह से मुझे, मेरे हिसाब से शायद आज तक कोई भी हमारा जो नुमाइंदा है वो उतना किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आप पिछले कई दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, आप नारवा इलाके में जा रहे हैं और लोगों से भी मुखातिब हो रहे हैं, तो किस तरह का रुझान आपको लोगों को देखने पड़ा, मतलब लोग क्या कुछ महसूस करें, क्या लोग वाकई में इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, या उनको सियासी जमातों के लीडरों ने तसल्ली की है? लोग हार चुके हैं, बिल्कुल लोग थक गए हैं, मैं ये क्लियर बात करना चाहती हूँ, लोग हार चुके हैं, थक गए हैं, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त, अब वो बोलते हैं हम बोल बोल के भी थक गए हैं, हम डिपार्टमेंट्स के पास जा जा के भी थक गए हैं, हमारे जो नुमाइंदे हमने चुने थे, देखिए ये कॉमन सेंस ही बात है, जब भी विंटर्स में हमें नुमाइंदों की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम चुनते हैं, वो जम्मू में बैठे होते हैं, लोग कहाँ जाएंगे उस वक्त, लोग जब हमें सर्दियों में
कहीं पे पावर का मसला होता है, कहीं पे कुछ और मसला होता है, सड़क का मसला होता है, उस वक्त लोग कहाँ जम्मू जाएंगे अपने नुमाइंदों को ढूंढने के लिए। इसलिए लोगों का जो है ना, मेरे हिसाब से लोगों का भरोसा उड़ गया है। अब मैं थ्रू योर मीडियम, थ्रू सोशल मीडिया, जितना भी मुझसे हो सकता है उतना लोगों तक ये पहुँचाना चाहती हूँ कि जो ये इलेक्शंस है, इन इलेक्शंस का जो मोटिव है वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ यही तामीर होता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी सारी सियासी जमातें जो है यहाँ की, जितनी भी सियासी जमातें, मैं कहूँगा कि लोगों को कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो कदर मुख्तलिफ है। अगर हम दफा 370 की बात करें तो DDC इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद दफा 370 बहाल नहीं होगा, ये हर किसी को पता है, लेकिन लोगों को फिर भी इसमें रखा जा रहा है कि शायद आप वोट दे के, लोगों को ये नहीं पता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो ये DDC इंतखाबात है इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें, लोगों को भी पता चले ये DDC इंतखाबात है क्या। देखिए, जो हमारे DDC इंतखाबात है ये हमारी पंचायत एक्ट के अंडर एक अमेंडमेंट की गई थी, जो कि 28 साल के बाद जो ये अमेंडमेंट है ये इस साल लागू हो गई हमारी UT पे। जी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने DDC काउंसिल्स बनाए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है DDC काउंसिल्स बनने वाले हैं। और जो ये DDC काउंसिल्स है ये अपने जो हमारा एरिया है उस एरिया की डेवलपमेंट के बिल्कुल जिम्मेदार होंगे। देखिए, अब हमें ये देखना है जो हमारा DDC काउंसिल है आप किसको चुन रहे हो। देखिए, मैं बार बार लोगों से गुजारिश करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे वोट मत दो, पॉलिटिकल पार्टी को वोट मत दो, ये बोले इस कैंडिडेट को दो, उस कैंडिडेट उसको मत दो, वोट उसको दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ लोगों से कि नहीं जी वोट मुझे ही दो, नहीं। अगर आपको लगता है नारवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी बात को कोई कंटेस्टेंट आगे तक आपको रिप्रेजेंट कर सकता है आगे, क्योंकि ये मसला डेवलपमेंट का है, उसको वोट दे के, क्योंकि जिस चेयर पे आप इस काउंसिल को बिठा रहे हो वही चेयर फैसला करेगी आपके इलाके में डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। आपको कल को किसी थर्ड पर्सन के पास ना जाना पड़े, जनाब मुझे साथ आए, मुझे ये काम निकलना चाहिए, सीधे अपना जो काउंसिल आपने चुना है सीधे उसके पास जाए, अपना काम करवा दे। मेरा यही है, मेरा सिर्फ मोटिव इतना है कि लोग इस चीज़ को समझें, खास करके मैं यूथ से गुजारिश करती हूँ, अगर वो ही लोग इसको समझेंगे वो घर पे उन अपने और चार बंदों को समझाएंगे घर पे, ये ऐसे है ये ऐसे। बाकी रही बात लोगों की, मैं ये भी समझती हूँ कि लोग थक चुके हैं, लोग हार चुके हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम इस पहल में पीछे रह गए तो हम बहुत बड़ा नुकसान अपने लिए कर रहे हैं। राबिया जी, एक और सवाल, टाइम कम है, आखिर पर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फैसला लिया गया कि लेडीज रिजर्व सीट रखी जाए, और इस बीच भी कई सारे ऐसे हमने देखे जो सियासी जमातें हैं उन्होंने उन लीडरान को आगे किया, उन लड़कियों को आगे करूंगा जिनको मेरे ख्याल से मोहल्ले में भी नहीं जानते होंगे लोग, तो इस तरह का फैसला आपको लगता है ये सही था कि गलत था। ये फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए हमें, मैं जो हमारे सियासी लीडरान है They too hail from the same soil. हमें इस जमीन, ये जो जमीन है ये हमारी जमीन है, हमें सबसे पहले इससे प्यार होना चाहिए। सिर्फ हम अपने सेल्फिश एंड्स के लिए कोई ऐसा फैसला ले कि नहीं हम इसको घराएंगे, इसको जिताएंगे, हमने उन कंटेस्टेंट्स को आगे कर दिया जो शायद इंटरेस्टेड भी नहीं। बिल्कुल, काफी सारे हमने ऐसे भी कैंडिडेट देखे जिनको बात करना तो नहीं आता, जो इलिटरेट है, जिनको कैमरे के सामने बात करना नहीं है, वो आवाम के साथ क्या इंसाफ करेंगे। इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरह का फैसला है, क्या ये जरूरी था ऐसे हर किसी को मैंडेट देना, ये यहाँ की सियासी जमातों को मेरे ख्याल से पहले सोचना चाहिए था। देखिए, मेरा ये है कि जब हमने रिजर्वेशन थी कहीं पर दी गई है औरतों के लिए, ये तो सबसे बड़ी मुबारक की बात है। बिल्कुल, सबसे पहले औरतों के लिए, क्योंकि औरतों को भी शामिल किया गया। बिल्कुल, हक है, हक है, सही बात है, औरतों को भी शामिल रखा गया। लेकिन उसके बाद साथ साथ में मेरी ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर हमें फैसला लेना था उस वक्त किस औरत को हमें आगे करना है, तो हमने म्यूचुअली ये बैठ के देखना था कि हम करें तो आगे क्या करें, क्योंकि जिसको हम आगे ले जा रहे हैं कल को कहीं वो बर्डन ना पड़ जाए उस पे। देखिए, ये एक कहावत है, बिग पावर इज ऑलवेज बैक्ड बाय बिग रिस्पांसिबिलिटी। कल जिसको आप काउंसिल बना रहे हो वो चेयर पे बैठेंगी, क्या ये जरूरी है नहीं है कि वो अपने आप ही सारा कुछ करे। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि उसको कोई उस वक्त डायरेक्शंस दे, आप जी ऐसे करो ऐसे करो, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इनको मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सेल्फिश एंड्स के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। राबिया जी, लास्ट पर आपसे एक बात आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्या राबिया खुर्शीद BJP अपनी पार्टी और जितनी भी यहाँ की सियासी जमातें हैं, आप एक बहसत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रही है, क्या आप इनकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या आप इनके खिलाफ है,
कल को आपको अगर काउंसिल बनानी होगी आप किसके हक में वोट डालेंगे? देखिए, जहाँ तक ये सियासी जमातें हैं जी, मैं इन सब का जो है एजेंडा मैं समझ नहीं पा रही जी। मेरी जो सोच है इससे बिल्कुल अलग है, जो भी सियासी जमातें ये हैं। और रही बात मेरा इनके साथ किसी हिसाब से इनको काउंसिल में या इनके साथ मर्ज होने का या इनके साथ रहने का, तो वो फैसला मेरा नहीं होगा जी। टोटली वो फैसला मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक मैंने अपना एक दायरा बनाया हुआ है, मैं उस दायरे में हूँ। उस दायरे से बाहर मैं जब जाऊँगी, जब मेरे लोग मुझे बोलेंगे। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज ऑफर्ड बाई ऑल द पार्टीज, जितनी भी पार्टीज उन्होंने मुझे ऑफर किया था, आप हमारे साइड से। लेकिन ये एक सच बात है दैट आई गॉट कॉल्स फ्रॉम द यूथ ऑल ओवर नारवा। उन्होंने मुझसे कहा, दीदी अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ोगे हम आपके साथ हैं। मैंने उस वक्त फैसला किया कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठूंगी। और रही बात अगर मैं चेयर पे आऊंगी, अगर मैं उस चेयर पे बैठी, दिस इज माई वर्ड टू माई पीपल, मेरा जो भी हिसाब किताब होगा, मेरा जो भी काम करने का तरीका, वो टोटल ओपन होगा, एक ओपन बुक की तरह। और जब अगर किसी वक्त ऐसा फैसला लेना होगा कि दैट आई वुड हैव टू मर्ज विद एनीबडी, इट वुड बी टोटली चॉइस ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है। मैं उसी वक्त लोगों से पूछूंगी, मुझे बताएं आगे मुझे क्या करना है। जो लोग मुझे इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूथ हो, जो मेरी बात कर रहे हैं, मैं उस वक्त उन्हीं को बोलूंगी, आप मुझे बताएं आगे क्या करूं, आगे चलूं, रुक जाऊं, किस तरफ जाऊं। इट वुड बी देयर डिसीजन, नॉट माइन, क्योंकि ये उस वक्त मैं वही करूँ जो यूथ कहेगा। बहरहाल आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात कर रही थी एडवोकेट राबिया खुर्शीद, इनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये इलेक्शन जो है ये जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की के हवाले से किया जा रहा है, और जो भी नुमाइंदा आएगा उसको तामीर तरक्की के हवाले से काम करना पड़ेगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ, अल्लाह हाफिज़। रहबर एजुकेशन फेयर अब आपके शहर बारामूला में। शिमाली कश्मीर में पहली बार तालीम को बढ़ावा देने के लिए 25 और 26 नवंबर को एक एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे जरिए आप मौके पर ही एडमिशन्स हासिल कर सकते हैं। मुल्क के साथ साथ बीरून ममालिक में भी आप एडमिशन्स के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो याद रखिए, 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप तशरीफ ले आ सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ राबता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 7006115041, 7006951581, 7006261866। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है, जिसे रहबर ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा है, जो 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज ने हिस्सा लिया है। आप सबसे गुजारिश है, आके इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। सो कम एंड जॉइन द बिगेस्ट एजुकेशन फेयर ऑफ नॉर्थ कश्मीर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल नबी, DDC कैंडिडेट टंगमर्ग। आओ इकट्ठे मिलके आज जंग लड़ें, गरीबी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, सोशल इवल्स के खिलाफ। आप और हम मिलके चलें, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं, जिस मंजिल का ख्वाब हमने देखा, आपने देखा, हमारे जो आने वाले जनरेशन है हमने उनके लिए देखा। लैपटॉप आपके सामने है, वही तरक्की की निशानी है। लैपटॉप का बटन दबाइए और इकबाल नबी को जिताइए।